इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप जो 90% लोगों के फोन में होता ही है, जो कि कुछ लोगों के लिए वरदान है तो कुछ लोगों के लिए एक श्राप। वरदान उन लोगों के लिए है जो इसका सही तरीके से यूज करते हैं, और श्राप उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। और 95% लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि 5% लोग 95% लोगों पर राज करते हैं सोशल मीडिया का यूज करके। अब ये सब एक ट्रैप बनाया गया है आपको सोशल मीडिया का मिसयूज करने के लिए, और जो इस ट्रैप को समझ लेते हैं वो लोग 95 से 5% में आ जाते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं। जब आप 5 मिनट के लिए भी इंस्टा स्क्रॉल करो तब आपको एहसास होता होगा कि आप कितने गरीब हो। एक 20 साल के लड़के ने करोड़ों की गाड़ी ले ली, किसी ने बिजनेस बिल्ड कर दिया, तो कोई अपने पैसे दिखा रहा है, तो कोई लड़की घुमा रहा है। ये सब देखकर आपको काफी बुरा फील होता होगा ये सोचकर कि मैं अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाया, जबकि इन सब चीजों का इस टाइम पर कोई लेना देना ही नहीं होता। आप फालतू की चीजों पर ध्यान देते हो जिस पर ध्यान देने की शायद कोई जरूरत नहीं होती। जैसे भाई मिर्जापुर का 3rd सीजन कैंसिल हो गया। रियल वर्ल्ड में किसी को थप्पड़ मारने पर भी जेल हो जाती है, लेकिन फिर भी आप वायलेंस से भरी वेब सीरीज देखते हो, लगातार 4-4 घंटे इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब पर रेंडम वीडियो देखते हो। जैसे या भूत सच में होते हैं, या फिर यूट्यूबर ने एक नई गाड़ी ले ली, देखता हूँ कितने की है, जबकि आपको लाइफ में क्या करना है पता नहीं, लेकिन फिर भी बिग बॉस के फाइनल में कौन जीतेगा उसकी आपको चिंता है। ऐसे ही लोग 95% में आते हैं, जबकि 5% में वे लोग आते हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर घंटों तक देखते हो और अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते हो। जिनका अपनी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता, और गोल होता भी है तो उसे अचीव करने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, और इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसकर पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। और रही बात रील्स और वीडियो देखने की, तो मेरे भाई इंस्टा और यूट्यूब पर रोज इतने वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं कि आप 100 जन्मों में भी उतने वीडियोस नहीं देख सकते। अब देखो बॉस, अगर फालतू की चीज़ों पर उतना ध्यान दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी लाइफ खो जाएगी। आज लोगों के पास दुनिया भर का ज्ञान है, मगर उनसे उखड़ता कुछ नहीं। आप वो उखाड़ने वाले बनो, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को फॉलो करो, वही देखो और वही सुनो जिससे आपके इरादे मजबूत बने और आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ले सको, और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हर वो काम कर सको जो आगे चलकर आपको सक्सेसफुल इंसान बनाए। अगर आपके दिमाग में कोई डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरे भाई लोगों के कहने और सोचने का तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनका अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है, अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। और अगर ऐसा कुछ कर लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और हाँ, वीडियो देखकर अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।